दोस्तों, आज वास्तु शास्त्र में ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। पहले मैं आपको बता दूं ये बात, क्योंकि आज हम जो वास्तु में एक बहुत बड़ा आजकल फ्रॉड चल रहा है, ये वाला चक्रा का, इसके बारे में आज थोड़ा डिटेल में जानेंगे हम कैसे ये गलत है और कैसे जो हम वास्तु करते हैं इक्यासी पद वाला वो ठीक है, कैसे वो अप्लाई होता है, कैसे ये गलत है, इसमें क्या गड़बड़ियां हैं, ये हम जानेंगे आज। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक ये प्लान है हमारे पास, ये प्लान ले रखा है हमने। इसमें नॉर्थ हम थोड़ा सा टिल्ट मान के चलेंगे कि नॉर्थ हमने थोड़ा सा टिल्ट ले रखा है। ये आप प्लान देख सकते हैं, बेडरूम है, किचन है, मेन एंट्रेंस है और इस तरीके से प्लान बना हुआ है। और बेडरूम यहाँ पे आ रहा है, कि यहाँ बेडरूम आ रहा है, लिफ्ट आ रही है, यहाँ पे ड्राइंग डाइनिंग आया हुआ है, यहाँ टॉयलेट आया है, यहाँ पे एक टॉयलेट है, यहाँ टॉयलेट है। इस तरीके से एक सिंपल सा हमने एक प्लान ले लिया है। इस पे अब चक्रा वाले ने क्या किया, आके चक्रा लगा दिया। ठीक है जी, पहली चीज रेक्टेंगुलर शेप में ये आप देख सकते हैं टिल्ट है थोड़ा सा, नॉर्थ एग्जैक्ट 0 डिग्री नहीं है, दिख रहा होगा आप सभी को बड़े आराम से। नॉर्थ यहाँ आ रहा है इसका, नॉर्थ 0 डिग्री नहीं है। अगर मैं इस पे चक्रा रखता हूँ तो आप देख सकते हैं इस तरीके से उस आदमी ने यहाँ पर चक्रा रखा होगा, ये आ रहा है एग्जैक्ट चक्रा। तो इस तरीके से ये चक्रा रख के किसी ने और इसमें निकाल दिया है डायरेक्शंस, और जो एग्जैक्ट ये टिल्ट आ रहा है थोड़ा थोड़ा 30 डिग्री के अराउंड टिल्ट है ये। तो इस तरीके से अब उस आदमी ने इसमें काम किया, इसमें दिशाएं निर्धारित करी। पहले तो ये जो दिशा निर्धारित करने का तरीका है, उसने इस बिल्टअप एरिया का पे चक्रा रखा है, आप देख सकते हैं इसमें बिल्टअप एरिया पे उसने चक्रा रखा है। शायद इससे दिख नहीं रहा होगा ढंग से इसे, तो ये जो आपका बिल्टअप वाला एरिया है सारा, इसके ऊपर उस आदमी ने चक्रा रखा। चक्रा रख के दिशा निकाली, दिशा निकालने के बाद, पहले तो ये दिशा निकालने का तरीका गलत है, अभी मैं आपको बताऊंगा ये कैसे गलत है, सही दिशा कैसे देखी जाती है। अगर ये 30 डिग्री टिल्ट है तो हम इसमें सही डायरेक्शंस कैसे निकालेंगे, अभी बात करेंगे इस बारे में भी। तो ये उसके बाद बन गया बार चार्ट। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में असली कहानी जो खराब हुई, पहले तो ये डायरेक्शंस देखने का तरीका गलत है। ये जो चक्रा वाला है इसको हम देखेंगे पहले, उसके बाद आगे चलते हैं। ये आते हैं बार ग्राफ जो बनाते हैं, बार ग्राफ बना के इसने सारी डायरेक्शंस की वो करी है, जोनिंग या जो भी कुछ ये बनाते हैं, एवरेज एरिया एरिया निकाला है सारी डायरेक्शंस का। अब दोस्तों, ग्रंथ क्या बोलते हैं, ग्रंथ में ग्रंथ बोलते हैं आपके कि सबसे अच्छे जो प्लॉट होते हैं वो या तो स्क्वायर प्लॉट होगा आपका, वास्तु के हिसाब से सबसे अच्छा प्लॉट जो होगा, या आपका कोई भी रेक्टेंगुलर भूखंड होगा। सबसे अच्छे जो प्लॉट होंगे ये होंगे, या तो रेक्टेंगुलर भूखंड होंगे या स्क्वायर भूखंड होगा, ये वास्तु शास्त्र में सबसे अच्छे माने जाते हैं। अब वेदों की बात अगर करते हैं तो रेक्टेंगुलर अगर भूखंड है आपका, तो उसमें अगर देवता आप बनाओगे, अगर आप देवता डिवाइड करोगे उसमें, तो इस तरीके से आप 9x9 का एक ग्रिड बनाते हो। इस तरीके से 9x9, ये भी 9 पद होते हैं, ये जो
ग्रिड आ रहे हैं ना, ये वाले बॉक्सेस भी 9 है और ये वाले बॉक्सेस भी 9 है, 9x9 का ग्रिड बनता है। मेरे पास सैंपल भी होगा, 9x9 का ग्रिड बनता है इस तरीके का। ये ग्रिड बनेगा रेक्टेंगुलर में, स्क्वायर अगर ग्रिड बनाएंगे तो स्क्वायर में 9x9 का ग्रिड इस तरीके से बनेगा। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9x9 कॉर्नर वाला डबल काउंट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको बोलते हैं 81 पद वास्तु। इसी को पद विन्यास करना बोलते हैं, इसको वास्तु पद मंडल बोला जाता है, जो वेदों में बताया गया है। रेक्टेंगुलर में इस तरीके से होता है, स्क्वायर में अभी आपने देखा था। और इसने क्या करा है, उस चक्रा के माध्यम से, जो चक्रा में इसने ग्रिडिंग करी है, अब मैं आपको दिखाता हूं इसका खेल। इसने जो चक्रा में ग्रिडिंग करी है, वो जो देवदास इसने मार्क करे हैं वास्तु कंसल्टेंट ने, वो कुछ कुछ इस शेप के हैं। आप देख सकते हैं ये छोटे वाला देवता एक है, ये रहा। आप देख सकते हैं पिज्जा के स्लाइस के शेप के जैसा है। ये जो देवता मार्क हुआ है, ये जो देवता इस आदमी ने निकाला है, वो इस तरीके का निकाला है। इस तरीके की डायरेक्शंस कटी है, जबकि वास्तु में क्या बोला जाता है कि देवता इस तरीके से विराजमान होंगे, देवता इस तरीके से निकाले जाएंगे, ना कि इस तरीके से निकाले जाएंगे। और इस तरीके से भी देवता नहीं निकाले जाते, एक साइड से ये शेरमुखी है, एक साइड से गौमुखी है। देवता इस तरीके से भी नहीं निकाले जाते वास्तु में, ये भी गलत तरीका है। ये जो इस तरीके से शेप बनाई जाती है देवताज की, ये भी नहीं होता, ये गलत मेथड है। इस तरीके से देवता कभी भी विराजमान नहीं होते। और नव पद वास्तु में आप एक चीज देखेंगे कि 9 ऐसे आते हैं, 9 ऐसे आते हैं, ये कभी भी पद कम या ज्यादा नहीं होते। और यहां पर रेक्टेंगुलर में आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये भी आधा आ रहा है, 12 मान लीजिए, 12 तो ऐसे आ गए देवता, 12 तो ऐसे आ रहे हैं, और 1 2 3 4 5 5 ऐसे आ रहे हैं।